हाय फ्रेंड्स, तो आज हमारा टॉपिक है एप्पल मैनिपुलेशन इन फोटोशॉप। सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे, अपनी पिक्चर ले आएंगे। वो टेबल है, इसकी पिक्चर ले आते हैं। ओपन कर लेते हैं हम यहाँ से इसको, ऑल्ट प्रेस करके हम इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे, फिर हम अपनी एप्पल की पिक्चर ले आते हैं। एप्पल की पिक्चर यहाँ से हम एप्पल की पिक्चर लें और इसको मैं कंट्रोल टी करूँगा और आल्ट प्रेस करके मैं इसको सेट कर लूँ। इसको मैंने सेट कर लिया। अब मैं इसकी एक कॉपी लेता हूँ कंट्रोल जे करके। नीचे वाली लेयर में आऊँगा, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ऊपर वाली लेयर में जाना है, हम इसकी सिलेक्शन करेंगे। सबसे पहले यहाँ से मैं इसकी सिलेक्शन करता हूँ। सिलेक्शन करने के बाद मैं इसको सेट कर लेता हूँ। हम इसको प्रॉपर सेट करेंगे। हम मैंने इसको सेट कर लिया। यहाँ से सेट करने के बाद यहाँ से इमेज में जाएंगे। पहले रास्टराइज लेयर कर लेते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, रास्टराइज लेयर कर लेते हैं। रास्टराइज लेयर करने के बाद मैं इमेज में जाऊँगा, एडजस्टमेंट में जाऊँगा और डी सैचुरेशन में जाऊँगा। डी सैचुरेशन में जाने के बाद कंट्रोल डी करूँगा, सिलेक्शन हटा दूँगा। सिलेक्शन हटाने के बाद हमने क्या करना है, हम यहाँ से जाऊँगा नॉर्मल में और यहाँ से मैं इसको स्क्रीन कर देता हूँ। स्क्रीन करने के बाद मैं कंट्रोल एल कर देता हूँ। इसकी एडजस्टमेंट करनी है, इसको हम रखेंगे 95, इसको रखूँगा मैं 1 और इसको 220 और ओके प्रेस कर देना है। अब मैं नीचे वाली लेयर में आऊँगा। नीचे वाली लेयर के आने के बाद मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं इसको क्रिएट क्लिपिंग मास्क करता हूँ। फिर मैं ब्रश टूल में जाऊंगा। ब्रश टूल में जाने के बाद मैं इसको ब्रश कर लेता हूँ। जहाँ जहाँ तक हमने इसको डी सैचुरेशन किया था वहाँ तक मैं इसको ब्रश करूँगा। आपने भी ब्रश का साइज इतना ही सेट करना है। उसके बाद मैंने इसको जो है ब्रश कर लिया है। उसके बाद इसी लेयर में होते हुए मैं जाऊंगा, मैंने पिक्चर कुछ रखी होती स्लाइस एप्पल की, तो मैं यहाँ से सिलेक्शन में जाऊंगा और इलिप्टिकल मार्की टूल में जाऊंगा। इलिप्टिकल मार्की टूल में जाने के बाद मैं यहाँ से इसको रेस्टराइज लेयर पहले करूँगा, राइट क्लिक करके रेस्टराइज लेयर, और मैं यहाँ से एडिट में जाऊँगा कट, और यहाँ पे जाऊँगा कंट्रोल वी करूँगा कॉपी, कंट्रोल वी कॉपी, कंट्रोल टी करूँगा। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ आर्ट प्रेस करके। जितना भी एप्पल है उसके मुताबिक हम इसको सेट कर लेते हैं। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ इतना। अब मैं कंट्रोल टी करूंगा और कंट्रोल प्रेस करके मैं इसको सेट कर लेता हूं। मैंने इसे सेट कर लिया। अब मैं कंट्रोल टी को दबा के इसको मैं थोड़ा सा आगे पीछे कर लेता हूँ। एंटर करना है, अब कंट्रोल टी दबाना है। वार टेक्स्ट में जाऊँगा, वार टेक्स्ट से मैं इसको थोड़ा सा इवन
सही सेट कर लेता हूँ मैं इसको। यहाँ से मैं इंटर प्रेस करूँगा, हमने इसको सेट कर लिया है। अब मैं ऊपर वाली लेयर में आऊँगा। ऊपर वाली लेयर में आने के बाद हम वाटर की पिक्चर लेंगे, वाटर वेव की। वाटर वेव की पिक्चर मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं कंट्रोल ई प्रेस करूँगा और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। हार्ड प्रेस करके पहले हम इसको छोटा करते हैं। छोटा करने के बाद मैं इसको कंट्रोल प्रेस करके हम इसको सेट कर लेते हैं। इंटर प्रेस करने के बाद कंट्रोल टी वापस करते हैं। वार्प टेक्स्ट में जाएंगे, वार्प टेक्स्ट में हम इसको सेट कर लेते हैं। को हम सेट कर लेते हैं। इंटर प्रेस कर देते हैं। इंटर प्रेस करने के बाद यहां से हम आएंगे और क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देंगे। क्रिएट क्लिपिंग मास्क करने के बाद मैं इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ। पेस्टी कम करने के बाद हम यहाँ से इसको क्लिपिंग मास्क कर देंगे। ब्रश टूल में आना है। ब्रश टूल में आने के बाद अब मैं इसकी ओपेसिटी फुल कर देता हूँ। ब्रश टूल में आने के बाद मैं इसको जो जो हमें एक्स्ट्रा पार्ट है मैं उसको रिमूव कर दूंगा। एक्स्ट्रा पार्ट था वो मैंने रिमूव कर दिया। हम अपनी अब फिश की पिक्चर ले आते हैं। फिश की पिक्चर ले आएंगे हम यहाँ से। यहाँ से फिश की पिक्चर लेंगे। अब मैं इसको कंट्रोल टी करता हूँ और ऑल्ट प्रेस करके मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। इंटर प्रेस कर देते हैं। अब कंट्रोल जे करूंगा, कंट्रोल टी प्रेस करके एक और फिश है वो हम यहाँ पे ले आते हैं। अब इंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ से हमारी वीडियो एंड होती है। गाइस आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।